विषयाएं जो होती हैं उनको, उनके जो हस्बैंड हैं भगजोदा का नाम दिया उनको, मैं भी एक भगजोदा हूं, मैंने भी एक विधवा और से शादी करवाई है। नमस्कार, मैं परविंदर कौर, द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में कुछ आम जनता से। सर आपका नाम? मिस्टर देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हैं? लगभग 35 ईयर। सर आप 35 ईयर से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हैं, बहुत लंबा सफ़र आपका रहा है। और इस सफ़र में जैसे बाबा जी सत्संग किया करते थे, तो उस सत्संग से वो क्या, ऐसा क्या टेक्निक वो बताते थे कि लोग नशा छोड़ते थे, और क्या और क्या क्या फ़ायदे होते थे? गुरु जी जब सत्संग करते तो बहुत बढ़िया सत्संग किया करते थे, बहुत बहुत जगह पर सत्संग किया करते थे, अलग अलग जगह पर सत्संग किया करते थे, बहुत ही लोग उनके साथ जुड़ते थे। जो वो राम नाम बताते थे उनका जाप करने से लोगों के दुख दर्द दूर हुआ करते थे, लोग नशों से, बुराइयों से, वैश्यावृत्ति से दूर होते थे, यही एक बहुत बड़ा उनका इफेक्ट था। तो सर आज बाबा के यहाँ ना होने से क्या नुकसान, क्या और क्या क्या नुकसान हो रहा है? आज हम देख रहे हैं जैसे ही गुरु जी 2-3 साल से यहाँ पे नहीं है, तो उनका ना यहाँ होने के कारण आज हमारा समाज बहुत ही इन बुराइयों की तरफ बढ़ रहा है, जैसे नशा, वैश्यावृत्ति, और आजकल जो नौजवान युवा पीढ़ी है वो जिनको चिट्टे की लत लग चुकी है, जो चिट्टा नाम का एक नशा है, उनमें बहुत सारे जवान नौजवान लोग हैं, जो बच्चे हैं वो पढ़ चुके हैं और उनकी डेथ होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट गुरु जी के ना होने पर यहाँ पर हमारे को देखने को मिल रहा है। सर बाबा जी जब नशा छुड़वाते थे, ऐसा क्या वो बताते थे, क्या करते थे कि यूथ नशा छोड़ता था? एक गुरु मंत्र था जो उसका जाप करने से लोग नशा छोड़ जाते थे, और जो गुरु मंत्र है उसका आज भी लोग जो जाप कर रहे हैं तो आज भी उन बुराइयों से दूर हैं। एक ऐसी शख्सियत थी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा, जिनका वो गुरु मंत्र लेने से लोग नशा छोड़ जाते थे और बुराइयों से छुटकारा पाते थे। तो सर डेरा में, डेरा सच्चा सौदा में महिलाओं को लेकर क्या माहौल है? महिलाओं का वहाँ पर बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया उनका सम्मान किया जाता है। जैसे हम 30-35 साल से, मेरा परिवार है जो लगभग 50 ईयर से जुड़ा हुआ है, तो बहुत बढ़िया महिलाओं को वहाँ पे सम्मान दिया जाता है। बहुत बड़े स्कूल कॉलेज हैं हमारे वहाँ के, जो बच्चे हैं इंटरनेशनल हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो मैच हैं, क्या कहते हैं, उसके बाद ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक में भी हमारे बच्चे खेले हुए हैं, जो सच्चा सौदा के, डेरा सच्चा सौदा के स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर महिलाओं का बहुत बढ़िया अच्छा प्रभाव रहता है। सर और क्या क्या भलाई के कार्य जो बाबा जी पहले करते थे और अब उनके यहाँ ना होने से क्या अब भी वह लगातार यूँ ही कर रहे हैं? हाँ, वैसे जो मानवता भलाई के कार्य है, लगभग 134 कार्य जो साथ संगत है, जो गुरु जी से जुड़े हुए अनुयायी हैं उनके, वो लगातार कर रहे हैं। बहुत सारे कार्य हैं, जैसे वेश्याओं को अपनी बेटी बना के गुरु जी ने उनको, उनकी शादियां की, वेश्याएं जो होती हैं उनको, उनके जो हस्बैंड हैं भगजोदा का नाम दिया उनको, मैं भी एक भगजोदा हूँ, मैंने भी एक विधवा और से शादी करवाई है। तो सर आपको क्या गुरु जी ने कहा था कि ऐसे एक विधवा से शादी, क्या वो आपको कैसे, आप मतलब कि प्रेरित करते थे इन चीज़ों के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपनी मर्जी से, मैं खुद इंजीनियर हूँ तो मैंने अपनी मर्जी से नाम लिखवाया, और मैंने गुरुजी के जो वचन है भी, इन विषयों से शादी करवाओगे तो आपके घरों में खुशियाँ आएंगी, और इनका भी जो ये धंधे में लिप्त हुई हैं, ये इनसे निकल पाएंगी और एक अपना अच्छा जीवन गुजार पाएंगी। तो हमने भी ऐसा उनके गुरुजी के वचनों को सुना और उनके जो वचन थे उन पे पहरा दिया, और मैंने भी एक विधवा औरत से शादी करवाई और मैंने एक बच्चे को भी बनाया। जी धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, इनका कहना है कि बाबा जब यहाँ थे वो एक सत्संग फरमाया करते थे, तो वो सत्संग में जब लोग सुनने आते थे, खासकर यूथ आता था, तो वो उस सत्संग को सुनकर वो एक नशे से दूर होते थे, नशा बाबा उनको प्रेरित करते थे कि नशे से दूर रहें। तो अब उनके यहाँ ना होने के कारण, सत्संग ना चलने के कारण, बहुत ही युवा पीढ़ी है जो वो नशे में घुसती चली जा रही है। तो इनका कहना है कि आज समाज को बाबा की बहुत ज़रूरत है।